अस्सलामु अलैकुम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज जो कुछ हालात है, एक तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का भी मामला है, जहाँ ATS वालों ने उन्हें ऐसे कुछ इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया है जिसकी कोई कानूनी में गिरफ्त नहीं है, मगर मुसलमानों से ऐसा महसूस हो रहा है कि एक तरफा ये लोग मुसलमानों को परेशान करने का तैयार कर लिए हैं। मैं मौलाना की फौरी रिहाई का जहाँ हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, वहीं तमाम उलमाए किराम से भी मेरी गुजारिश है कि वो अपना भी एहतजाज वीडियो के जरिए, ऑडियो के जरिए ज्यादा से ज्यादा उसको तशहीर करें, ताकि ये हवा, ये आवाज़ हुकूमत तक पहुंच सके, और उनको एहसास दिलाना भी हमारा ज़रूरी है, वरना ये हाल हो जाएगा कि जब दिल बोला किसी भी आलिम को उठा लेंगे, किसी भी आलिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उससे मनमाने उस पर इल्ज़ाम लगा दिए जाएंगे, और फिर ये कहेंगे कि हम ये जो भी कर रहे हैं कानून के दायरे में कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा कि कानून इनू बना रहे हैं और मुसलमानों को किसी हाल नुकसान पहुंचाना ये चाहते हैं, और ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाकर ये बाकी रहेंगे। हकीकत ये कि हम जो हम ही हैं जो इस इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस मामले में हमारे उलमा की हिफाजत फरमाए। वहीं मुझे बहुत अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि हमारे हैदराबाद के MP आली जनाब असदुद्दीन अवेसी साहब के दिल्ली के मकान पर जिस अंदाज से गुंडों ने हमला किया है, और ऐसा मालूम होता है कि वहां की पुलिस भी इनकी सरपरस्ती कर रही है, मैं एहतजाज करता हूं और हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि वो अशरार को फौरी गिरफ्तार किया जाए, और आइंदा ऐसे अमल करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मैं अवाम उन्नास से भी अपील करूंगा कि वो बजाय इसके कि तैश में आ जाए, होश अच्छा है जोश के साथ, जोश भी अच्छा है होश